मैं शुभम आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं पाइथन विद शुभम। यह तो हम अपनी पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज़ में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ईमेल वैलिडेशन। मतलब क्या भाई, इसमें करना क्या है मुझे? जैसे मैंने एक ईमेल दी भाई पाइथन में, और मुझे पाइथन से पूछना है यार ये ईमेल जो मैं दे रहा हूँ क्या मैंने सही लिखी है या गलत है। तो यार पाइथन में हम कुछ यार अपने करेक्टर्स देंगे, कुछ हमने इसमें वो बनाएंगे अपना प्रोग्राम, तो यार पाइथन हमें बताएगा कि हाँ तेरा फॉर्मेट ठीक था, कि तेरी जो ये ईमेल है भाई हाँ सही हो सकती है, चांस है कि ये रियलिटी में भी शायद एग्जिस्ट करती हो। तो यही चीज़ करनी है। अब इसमें हम जैसे कुछ इफ़ एलिफ ये वाले ये कॉन्सेप्ट जो है, इफ एलिफ एल्स ये वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इसी के साथ हम इस ईमेल वैलिडेशन का प्रोजेक्ट जो है वो अपना शुरू करेंगे। तो यार सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, एक पाइथन फाइल बना लिया है ईमेल वैलिडेशन के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, पहले तो पाइथन को अपनी एक ईमेल देनी पड़ेगी ना कि भाई मैं @123 ये ईमेल दे रहा हूँ, अब तू इस पर काम कर ये बता। तो उसके लिए करना क्या है, तो यार मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ईमेल के नाम से ही बना लेते हैं ना, आसान पड़ेगा समझने में। ईमेल के लिए क्या बना दिया मैंने भाई, हमको देना है इनपुट। क्या इनपुट देना है, इनपुट देना है एंटर योर ईमेल, ठीक है। अब भाई वो तो ठीक है, तू दे देगा एंटर योर ईमेल, ठीक है हमने दे दिया। अब ईमेल हमने डल गई, अब इस पे शुरू हुआ काम। तो भी यार एक कॉन्सेप्ट इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यार ईमेल की हम जब बात करते हैं ना, जैसे ईमेल में आपको समझाता हूँ, पहली चीज़ जो ईमेल में आती है लेंथ। अब जैसे कोई भी हम ईमेल है ना, जैसे मैंने बना ली @s@s.co.in.com कुछ भी है, तो मिनिमम से मिनिमम देखो इसमें क्या चीज़ दिख रही है, @s, तीन करेक्टर ये हो गए, एक करेक्टर डॉट, एक करेक्टर co, एक o, टोटल हो गए 6 करेक्टर। मतलब कि हमारे हमें 6 करेक्टर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है, और इसमें उससे 6 से ज़्यादा ही होंगे, कम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि @ के बाद एक करेक्टर आता है, @ पहले आता है, और डॉट जो होता है डॉट के बाद co आता है या in आता है या com आता है। तो ये था, ठीक है। अब जैसे मैंने शुरू किया, अब मैं यहाँ से शुरू करा, अब मैंने दिया if else वाला लगाना है, लेन फंक्शन होती है लेंथ के लिए है ना। अब लेन किस चीज़ की लेन, ये जो हमने वेरिएबल दिया है ईमेल, अगर हमारी जो ईमेल की लेन है ये अगर बड़ी है, किससे बड़ी है और इक्वल टू किससे, 6 से। मतलब क्या, अगर इससे बड़ी है तो पास, मतलब पास लिख देते हैं, क्योंकि हम अभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो एक मेथड होता है, जैसे हम अभी रन करके देखेंगे तो पास करेंगे ना। अब ठीक है पास हो गई, नहीं तो अगर नहीं है तो हम एल्स लगा देंगे। एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे हम, जैसे हमने एल्स में लिख दिया क्या कि रॉन्ग ईमेल चेक लेंथ। अब ये चीज़ छप के आ गई। अब जैसे अब इसी को हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, देखो जैसे मैंने कर दिया रन, तो ये बोला एंटर योर ईमेल। अब मैंने डाल दी जैसे @.co, एंटर मारूंगा, इसने मेरे को क्या बोल दिया, रॉन्ग ईमेल चेक लेंथ, क्योंकि भाई मिनिमम 6 लेंथ तो रिक्वायरमेंट है ना, अगर 6 लेंथ ही नहीं है तो हमारी ईमेल ही कैसी है ये, इसलिए ना ये इसने हमें दे दिया रॉन्ग ईमेल। अब ठीक है भाई, अब इस पास को हटाएंगे, अब हम लगाएंगे अपना नेक्स्ट। अब ये तो ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या देंगे, इफ़, जैसे कि अब हम अगली कंडीशन हमारी जैसे हो सकती है भाई, फर्स्ट करेक्टर हमारा हमेशा 0 होना चाहिए भाई, इंडेक्सिंग 0। मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है ना भाई। अब हमें पहला चाहिए 0 पे, 0 पे क्या होना चाहिए, डॉट इज अल्फा, मतलब अल्फाबेट, पहला हमारा हमेशा अल्फाबेट ही होगा, ठीक है। अब इसको कर देंगे पास, पास करते हैं, क्योंकि भाई हमें आगे प्रोग्राम बढ़ाना है ना। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, अगर मैं पास नहीं लिखूंगा तो भाई वो एरर देने लग जाएगा, इसलिए मैंने पास लिख दिया है। अब जैसे एंटर, अब जैसे इसकी नहीं, अगर बाई चांस
अब जैसे है ये, ठीक है ना, रॉन्ग ईमेल, अगर बाय चांस पहली अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये इसने हमें प्रिंट कर दिया रॉन्ग ईमेल। और रॉन्ग ईमेल क्यों है, बिकॉज फर्स्ट करेक्टर, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, लंबा बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब भाई पास को हटाओ, अब अगली कंडीशन लगा दी हमने, तो एक काम करता हूँ मैं ना, एक बार बार रन करने से अच्छा वो लास्ट में रन करूँगा एक बार में, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे ना फिर हम। अब जैसे मैंने भाई अगली कंडीशन क्या दूँ, ऐट द रेट की दे देता हूँ, है ना। अब जैसे मैंने अगली कंडीशन दे दी ऐट द रेट की, इफ़ ऐट द रेट इन, किस चीज़ में हमारा वेरिएबल था ईमेल, ऐट द रेट इन ईमेल, ठीक है, एंड ईमेल डॉट काउंट का मतलब, अब भाई मैंने ये क्या किया है, अब भाई कि हमारा जो ऐट द रेट होता है ना भाई, वो सिर्फ होना चाहिए 1, मतलब हमारी ईमेल के अंदर जो ऐट द रेट जो होता है सिर्फ 1 होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं इसमें। अब जैसे मैंने लिख दिया, अब भाई कर दिया मैंने इसको पास, ठीक है, और इसका एल्स लगा देता हूँ। अब एल्स में क्या लिख दूँ, प्रिंट क्या रॉन्ग ईमेल क्यों है, बिकॉज क्या, बिकॉज ऑफ एट द रेट, इतना थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, है ना। मैंने इसमें करा गया था भाई इफ़ एट द रेट इन ईमेल, कि इसमें बोला मैंने भाई एट द रेट तो ईमेल में होना ही चाहिए, ये तो ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो काउंट एट द रेट का 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये लगा दिया मैंने, अब भाई ठीक है अगली कंडीशन लगा तू यार चल। अब भाई फिर मैं इफ़ लगा दिया, अब क्या करूँ, देखो मैंने ऐट द रेट की कंडीशन भी लगा दी। अब भाई ईमेल के अंदर मैं लगाता हूँ डॉट की पोजीशन, डॉट की पोजीशन -4। अब मैं बताऊँगा क्यों लगाई मैंने -4, एक सेकंड जरा लिख दूँ इसे पूरा, है ना। अब ये लगा दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया XOR। भाई अब XOR क्यों लगाया ये भी बताऊँगा, बस एक सेकंड। जैसे ईमेल, और यहाँ पे ये लगा दिया मैंने -3, अब -3 और इक्वल टू लगा दिया डॉट, ठीक है। अब इसको कर दिया पास, और इसकी एल्स लगा दिया, रॉन्ग ईमेल ड्यू टू डॉट डॉट लिख दिया, है ना। अब इसमें मैंने लिखा क्या था भाई, मैंने लिखा है ना, जो इंडेक्सिंग हम पाइथन में इंडेक्सिंग जो करते हैं वो पीछे से माइनस से शुरू होती है ना, -1, -2, -3, -4। अब मैंने -4 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम डॉट com यूज करते हैं तो डॉट की पोजीशन -4 पर आ रही है पीछे से, और अगर डॉट co या डॉट इन यूज करते हैं तो -3 में। तो मतलब मैंने XOR लगाया कि इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन मेरी सही है तो मेरा प्रोग्राम सही है, मतलब मेरी राइट ईमेल है, ठीक है। अगर बाई चांस दोनों सही होते हैं तो भाई रॉन्ग ईमेल है, क्योंकि दोनों कभी हो ही नहीं सकते सही कभी, या दोनों गलत भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भाई डॉट तो चाहिए, इसलिए XOR लगाया। XOR के अंदर ये कंडीशन होती है कि दोनों में से ना सिर्फ एक कंडीशन सही होती है तो प्रोग्राम रन होता है। अब ठीक है भाई, 4 कंडीशन हमने दे दी, 4 कंडीशन, ठीक है। अब यार एक और कंडीशन, तो मैं एक काम ना कर लूँ, लूप चला लेते हैं, बहुत आसान ऑप्शन लग रहा है मुझे शायद लूप वाला। अब मैंने जैसे लूप चलाई, अब भाई लूप क्यों चलाई, अब यार लूप चलाऊँगा ना, अब सारी जो वो है मेरे अंदर ईमेल के अंदर के एलिमेंट वो हो जाएंगे इटरेट, इटरेट हो गए तो सब अलग अलग, अब मैं सबको अलग अलग उससे जज कर सकता हूँ, जैसे करके दिखाता हूँ ना। अब मैंने चला दी लूप, अब लूप के अंदर क्या चलाना है मुझे, जैसे कि जैसे आई, हाँ मैंने यहाँ पे लगा दिया आई इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर बाय चांस मेरी ईमेल के अंदर कोई स्पेस होता है तो ठीक है भाई, स्पेस हुआ तो मैं हमने बोल दिया, जैसे ए बोल देता हूँ, चलो हाँ
जैसे मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, अगर बाई चांस मेरे उसमें कोई स्पेस है ईमेल के अंदर तो ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने 1 दे दिया भाई, इन इसकी ए की वैल्यू ना मैं इनिशियल में यहाँ पे 0 0 रख दूँगा। अब ठीक है, अब मैंने बोल दिया ठीक है। अब अगली कंडीशन बताओ भाई, चलो अब अगली कंडीशन मैंने बोल दिया कि एलिफ आई, अगली कंडीशन कौन सी हो सकती है भाई। हाँ, फर्स्ट करेक्टर हमारा हमेशा स्मॉल में होना चाहिए ना भाई, अल्फाबेट तो होना चाहिए लेकिन स्मॉल में भी तो होना चाहिए। जैसे कि इस अल्फा वाले मतलब कि अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। पर और इसी के अंदर अल्फाबेट तो होना चाहिए, हो तो सब ठीक है, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, तो उसके साथ साथ भाई फर्स्ट करेक्टर चाहिए ना, मैं है ना स्मॉल में चाहिए ना फर्स्ट करेक्टर। आई इज इक्वल टू आई डॉट अपर, मतलब क्या अगर बाई चांस हमारा पहला करेक्टर अपर में है तो भाई हमने बोल दिया कि बी इज इक्वल टू 1। इसमें मैंने बोला ये क्या बोल दिया, अगर बाई चांस पहला करेक्टर अपर में है ना अपर केस, तो भाई बी हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब अगली कंडीशन बता दो यार शुभम भाई, बता रहे हैं बिल्कुल बताएंगे। आई डॉट इज डिजिट, मैंने ये क्या बोले, इज डिजिट क्या है भाई, मतलब क्या कि मेरे प्रोग्राम में अगर कोई डिजिट है तो अच्छी बात है भाई, डिजिट तो चलती है तो कंटिन्यू हो गया प्रोग्राम, इसमें क्या गलती बात है, डिजिट बहुत होती हैं डिजिट तो यार। और उसके बाद एक और कंडीशन दे दी हमने एलिफ, जैसे कि हमारी जो है स्पेशल करेक्टर्स में, जैसे यहाँ स्पेशल करेक्टर है बाई चांस, ठीक है। और कौन सा स्पेशल करेक्टर हो सकता है हमारा, डॉट हो सकता है स्पेशल करेक्टर, ठीक है। और कौन सा स्पेशल करेक्टर में और क्या आ सकता है, एट द रेट भी तो स्पेशल करेक्टर ही माना जाता है भाई, अगर बाई चांस इन चीज़ों में से कुछ है तो कंटिन्यू यार भाई, ठीक है अच्छी बात है, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब वो तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 दे दी मैंने, ठीक है। अभी शायद कुछ एरर आ गया था ज़रा, उसकी वजह से वर्किंग करना बंद हो गया था थोड़ा ही। हाँ तो हम जैसे यहाँ पे थे, ठीक है। अब ये हमने कर दिया कंटिन्यू, अब यार इसमें एक कंडीशन और लगा देंगे एल्स वाली, इसी के अंदर जो लूप के अंदर, वो क्या होगी, वो होगी सी इज इक्वल टू 1। और ये बताऊँ मैंने सी इज इक्वल टू 1 क्यों लिया ला अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब जैसे अब यहाँ पे ए बी सी तीनों वैल्यू दे दी मैंने, तो अब यहाँ पे मैंने इनिशियल में डाल दूंगा ना शुरू में ही ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या इज इक्वल टू 0 0 0। मैंने वैल्यू डाल दी कि 0 है स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू तीनों की 0, और यहाँ पे दे दी मैंने 1, ठीक है। अब इस लूप से आ गया मैं बाहर, एल्स इसलिए दिया जैसे कि मैंने भाई ई स्पेस की लगा दी, अल्फा की लगा दी कंडीशन, और कोई कंडीशन रह दी होगी तो शायद उसके लिए अपने आप ही 1 चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है भाई, अब नेक्स्ट कंडीशन डालो, ठीक है ना। अब जैसे कि अगली कंडीशन, जैसे अब भाई मेरे को इनकी वैल्यू ये बतानी है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ना इफ़ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जैसे बी दिया है मैंने बी इक्वल टू 1, और जैसे सी भी दिया है मैंने सी इक्वल टू 1। अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि प्रिंट रॉन्ग ईमेल, और रॉन्ग ईमेल मैंने क्यों प्रिंट कराया भाई, बता दिया है मैंने, क्योंकि भाई स्पेस है अगर बाई चांस, तब मैंने ए की वैल्यू 1 लिया है, स्पेस होने पर 1 लिया। इसी तरह अगर अपर केस है स्टार्टिंग में तब 1 लिया है, तो इसलिए है मैंने यहाँ पर रॉन्ग ईमेल, समझ हो गया है ना, ठीक है। अगर बाई चांस ये ऐसा नहीं होता तो ना, अगर बाई चांस ऐसा जो कि कोई वैल्यू 1 नहीं हुई है, इसका मतलब तो भाई ठीक ही है, अच्छी बात है,
तो इसमें हमने डाल दिया कि राइट ईमेल है ना, अब यहाँ पे डाल दिया राइट ईमेल। अब जैसे भाई अब मैंने जैसे वह दोबारा से बताता हूँ, मैंने करा गया था बीच में जो एरर आ गया था, शायद इसकी वजह से यार गड़बड़ी हो गई समझने में, है ना, दिक्कत आ गई होगी। पहले तो मैंने दे दिया ईमेल, अब भाई ईमेल दे दिया ठीक है, ये तो तीन वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने ABC जो जीरो है ठीक है। अगर मैंने पहली कंडीशन थी लेंथ, अगर ईमेल की लेंथ 6 से छोटी है तो भाई अपने आप एरर आ जाएगा, वो बोल देगा रॉन्ग ईमेल। अगर बाई चांस फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ाबेट नहीं है तो एरर देगा। और जो ईमेल है, एक जो ईमेल है इसके अंदर एक तो ऐट द रेट होना ही चाहिए ठीक है। उसके बाद जो है अब मैंने जैसे कि डॉट की पोजीशन बता दी, -4 और -3 डॉट की पोजीशन, फिर मैंने लूप चला दी भाई। लूप के अंदर मैंने डिजिट का बता दिया, इज स्पेस वाला बता दिया, इसमें शायद कुछ और एरर आ रहा है क्या। ठीक है बाकी सब चीज़ें बता ही दी मैंने एक बार, चलो रन कर लेते हैं यार इसी बात पे, चलो कहीं एरर तो नहीं दे दिया इसने। क्या बोलना चाह रहा है भाई तू? अब ये मेरे से कुछ कह रहा है कि लाइन नंबर 13, 4 एंड 13। अरे भाई ये तो मैंने करा ही नहीं, कहाँ से आ गया अपने आप। और 13 में क्या बोल रहा है, इसमें भी ये तो गया ठीक था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अल्फा ठीक है, इस अल्फा ठीक है, इसके अंदर लूप चला दिया पर, और इसमें भी क्या दिक्कत आ गई भाई, ये तो मैंने कुछ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चल दोबारा लिख के देखता हूँ एक बार, इफ आई इक्वल टू आई डॉट एज स्पेस, ठीक है अच्छी बात है। अब क्या बात आ गई यार इसमें, ठीक है यार अब करूँ एक बार रन, बता दे भाई कुछ एरर हो तो अभी भी। अब जैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मैंने लेंथ वाला तो पहले बता दिया था, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट की जगह 1 लिख दिया, 1 शुभम एट द रेट gmail.com ठीक है। अब मैंने पहली दे दी डिजिट, इसने क्या बोल दिया फर्स्ट करेक्टर, सही बात है भाई फर्स्ट करेक्टर मेरा होना ही नहीं चाहिए। अब यार देखो जैसे मेरे को बार बार रन करना पड़ रहा है ना, तो मैं एक काम ना कर लूँ, मैं वाइल्ड ट्रू लगा दूँ, एक काम कर लेते हैं ना। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया वाइल्ड ट्रू, ठीक है वाइल्ड ट्रू लगा दिया। अब इसको भाई टैप से ना आगे शिफ्ट कर देंगे, है ना, अभी से हम एक काम करते हैं टैप से आगे शिफ्ट कर दिया। अब मैंने वाइल्ड ट्रू लग गया ना, बार बार रन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये बाई चांस मैं दिखा देता हूँ, चलो ऐट द रेट की वो क्या कहते हैं ऐट द रेट, जैसे मैंने शुभम gmail.com लिखा तो मैं सोच रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऐट द रेट, सही बात है भाई ऐट द रेट है ही नहीं मेरे उसमें, तो सही बता रहा है। जैसे कोई और बता देते हैं, जैसे कोई अपर केस में बताता हूँ, जैसे मैंने अपर केस में एस पढ़ा लिख दिया, अब ये मेरे को इसने एरर क्यों दिया, क्यों, क्योंकि भाई मैंने वो इसमें यहाँ पे .com भी नहीं लिखा है ना जैसे मैंने बताया था, तो इतना ही था यार इसमें। जैसे वैसे दिक्कत बीच में ये आई ना यार, एरर हो गया था शायद, आई थिंक कुछ इश्यू आ गया था लैपटॉप में, इसकी वजह से बीच में कुछ एरर आ गया था। तो थैंक यू यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना, थैंक यू सो मच। मैं शुभम आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, आप देख रहे हैं पाइथन विद शुभम। या तो हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट की सीरीज़ में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ईमेल वैलिडेशन। मतलब क्या भाई, इसमें करना क्या है मुझे।